हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही, कस्टमर कह रहा है कि इसमें जब स्पिन कर रहे हैं कपड़े को तो ये इधर उधर लड़ रहा है, जो इसका स्पिनर है, मतलब स्पिन नहीं हो पा रहा, स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको पकड़ते हैं और उस चीज़ को सही करते हैं। पहले इसको चला के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये है सप्लाई, ऑन कर दिए और इसके स्पिनर को चालू करते हैं। ये चालू हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं चल तो रहा है, मतलब काफ़ी सही तरीके से ये चल रहा है। अभी दिखाएंगे, इसका ब्रेक ख़राब हो चुका है इसलिए नहीं रुक रहा है, बाकी सप्लाई कट हो रही है। यहाँ पे देखिए चल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको दिखाइए। यहाँ पे देखिए डिसबैलेंस है, जबकि बीच में आना चाहिए, इधर जगह खाली है और इधर अंदर चला गया है, तो ये जब भी कपड़ा डाला जाएगा दौड़ पड़ने की वजह से ये लड़ने लगेगा इसमें, तो यही प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो इसमें या तो बफर ख़राब होगा या जो जिस साकर पे मोटर लगा हुआ है मोटर ख़राब होगा, तो उसको सही करने के लिए हम लोग इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि इसकी मशीन को खोलना होगा, बॉडी को, और बॉडी को खोल करके पता करेंगे। चलिए खोलिए, तो चला जल्दी से उस पर या तो उस पर रख लीजिए, उसको हटाइए। तो हाँ, मशीन को हमेशा सामने तरफ से रखते हैं, नीचे रखिए, इसको नीचे रखिएगा, बस बस ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इसको नीचे रखते हैं, उस पर रखते हैं, उसके बाद फिर इसको हम खोलते हैं। इसके स्क्रू कहाँ कहाँ होते हैं तो थोड़ा सा दिखा दीजिए आप वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए ये बॉडी बीच से खुलने वाली है, तो सबसे पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। इसमें यह लगा हुआ था स्क्रू, तो मैं हटा दिया था, बाकी यहाँ पे सारे स्क्रू खोलना है। एक स्क्रू यहाँ होता है और एक स्क्रू देखिए यहाँ पे होता है और एक स्क्रू यहाँ पे होता है, और सेम उसी तरीके से तीन स्क्रू इधर भी होते हैं और एक स्क्रू बीच में होता है, नीचे एकदम नीचे की तरफ इधर इसमें होता है एक स्क्रू। इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये निकला हुआ स्क्रू है, स्क्रू फिलहाल इसमें लगा हुआ नहीं है, बाकी इधर भी होता है, याद रहे, इसको खोल लेंगे। और इसमें टी लगेगी, टी नीचे दिखाइए, इसमें इसमें 10 नंबर गोटी लगेगी। तो राजू 10 नंबर गोटी लेकर के आइए, 10 नंबर है इसमें, बहुत सही 10 नंबर गोटी है, तो उसको भी खोलिए, फटाक से खोलिए, दिखाई हमको। तो यहाँ पे मशीन को खोला जा रहा है, यही टी गोटी खोली ना, दीजिए उनको, दीजिए राजू, दीजिए राजू, दीजिए राजू, दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं जो ऊपर वाला नट है ना, ये एक नीचे नट होता है, देखिए देखिए यहाँ नीचे नट होता है, एक ऊपर होता है, तो ऊपर वाले को ही खोलना होता है नीचे वाले को, क्योंकि ये ऊपर वाला ही स्पिनर से कनेक्ट होता है और नीचे वाला मोटर से कनेक्ट होता है, तो ऊपर वाले नट को खोल देना होता है। चलिए इसको खोलिए, तो इसको खोला जा रहा है, ये सारे स्क्रू खोले जा रहे हैं यहाँ पे, इस साइड के और उस साइड के स्क्रू खोले जा रहे हैं यहाँ पे, नीचे वाला भी खुल चुका है और उसको देखिए वहाँ से खोला जा रहा है, टाइट नहीं, खुल नहीं रहा है, दूसरा गोटी लगेगा, नहीं नहीं यही लगेगा, 10 नंबर ही गोटी वो है और इसमें 8 नंबर 10 नंबर का ही गोटी का इस्तेमाल होता है। पहले इसको खुल गया, नहीं नहीं, फिर इसको उठाइए थोड़ा सा, आप इसमें लगाइए, सही से लगाइए, रुक जाइए, लगाइए सही से लगाइए, पहले नहीं देखे लगा, ओ वहाँ थोड़ा सा उसको ढके लीजिए, तो स्पिनर को नीचे दबाइए, अभी आ जाएगा इसको, अंदर ढकाइए, पहले अंदर डालिए, अंदर डालिए, नहीं ढके, दबाइए, रुकिए रुकिए, और रुकिए रुकिए, थोड़ा सा घुमाइए इसको, तो रुकिए और थोड़ा घुमाइए, घुमाइए घुमाइए और और बस बस, और थोड़ा सा उल्टा 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 हल्का सा, बस दाबिए दाबिए, थोड़ा सा दाबिए, हाँ हल्का सा दाबिए, सही से लगाए, अंदर डालिए पहले इसको, रुक जाइए, बस बस रुक रही, अभी तिरछा है ना, थोड़ा हल्का सा, हाँ बस बस बस, देखिए देखिए चला गया, यहाँ पे चला गया उसमें, और उसके बाद इसको खोला जाएगा, काफ़ी टाइट है फिलहाल, खुल चुका है स्क्रू, खुल गया ना, ठीक है क्लियर, तो ये खुल चुका है फिलहाल, नट नीचे खुल चुका है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, नट निकाल दीजिए यहाँ से, और इसको हम लोग बेल्ट को भी हटा देंगे यहाँ से, अब बेल्ट हटाया जाएगा यहाँ से, बेल्ट भी हट चुका है और इसको निकाला जाएगा। याद रहे ये कभी कभार यहाँ से निकलता नहीं, यहाँ पे ये जो ब्रेक है, इस ब्रेक को भी, हाँ बस हटा दें, ये ब्रेक को भी हटाया जाएगा यहाँ से, और हम यहाँ पर चाहे तो इस कनेक्टर को हटा करके पूरे मशीन को अलग ही कर दें, नहीं भी हटाएंगे तो हो जाएगा, फिलहाल रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए थोड़ा सा रुकिए, सबको बता दीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो अपना ब्रेक वाला सिस्टम, इसको पहले हटाना पड़ेगा, इसको इस तरीके से दरवाजे को खोल करके, फिर उसके बाद इसको यहाँ से हटा देंगे, अगर ये चीज़ ना हटे तो फिर दरवाज़ा थोड़ा ओपन कर देंगे, लेकिन दरवाज़ा ओपन किया गया है तभी ये चीज़ यहाँ से हटाते, इसको हटाना है, इसको हटाना है, फिर ये मशीन पूरी तरीके से, ये पार्ट अलग हो गया और वो पार्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी हटा देते हैं कनेक्टर को, ताकि यहाँ पर पूरी मशीन हमारी बाहर आ सके, तो कनेक्टर वहाँ से छोड़िए उसको, नहीं बस यहीं से, जल्दी खोलिए, ये टेप को हटाएंगे और प्लास्टिक के अंदर से जो भी कनेक्टर लगे हुए उनको बाहर कर देंगे, पछड़ाइए पछड़ाइए इसके अंदर से, बस कनेक्टर को हटाइए फटाफट, और उसके बाद मशीन को अलग कर देते हैं।
दबा के बस बहुत सही बस 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 हो गया। तो ये कनेक्टर अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ, इसको लेने दीजिए, इससे नहीं कोई दिक्कत, इसी का है ना फाट। अब ये चीज़ कभी निकलता नहीं मोटर से, कभी कभी प्रॉब्लम करता है ये मोटर से नहीं निकलता, जैसे यहाँ पे नहीं निकल रहा, जाम है ना पूरा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका तरीका होता है, तो इसमें आप लगा दीजिए 3 इंच लाइए, 3 इंच लाइए गोटी, इसको लगा देंगे इसमें छोटे वाले नट पे लगा के, पकड़िए इसको डाली बस पकड़ रहिएगा, वहाँ से स्पिनर को घुमाइए। अब वहाँ से घुमाने से क्या होगा, शाफ्ट घूमेगा और शाफ्ट घूमने से ये निकल जाएगा, पकड़े रहिएगा घुमाइए पूरा घुमाइए, आप पकड़े रहिएगा सही से, दोनों से घुमाइए देखिए, हाँ पकड़े रहिए, घुमाइए दोनों से घुमाइए, काफ़ी टाइट है, निकलने में काफ़ी दिक्कत करेगा ये, घुमाइए रुक रुक नहीं घूम रहा है, घुमाइए घुमाइए काफ़ी ज़्यादा टाइट, रुक जाइए थोड़ा दिखा दो उधर भी, उसे पकड़े रहिएगा। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो देखिए ये स्पिनर को घुमाया जा रहा है यहाँ से हाथ से, उधर भी घुमाइएगा राइट साइड, घुमाइए जान लगा के पूरा, देखिए घुमाइए घुमाइए, नट खुल चुका है लेकिन घूम नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और है, उस ऑप्शन को समझ लीजिए। तो इस तरीके से तो नहीं निकल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, क्या पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा उसको निकालिए। हम यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे आप मशीन को ना उसके ऊपर रख दीजिए, या तो इसको सीधा खड़ा कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए मशीन को, मशीन खड़ा कर दीजिए, अभी बता रहे हो जाएगा तुम, जमीन पे ही कर दीजिए, जमीन पे रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, रखिए रखिए जमीन पे रखिए, आ जाएगा उसका भी, वही नीचे रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए, टेबल से नीचे उतारिए, पकड़िए पकड़िए सही पकड़िए, हाँ नीचे उतारिए नीचे, बस नीचे उतारिए नीचे उतारिए, नीचे रखिए जल्दी से, देखिए बोर्ड है नीचे हटाइए। अब ये जगह नहीं बन पा रही थी पकड़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको निकालिए उससे, ये निकालने के लिए इसको ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे, चलिए माइनस बना करिए, माइनस बना के खोलिए, हाँ खोलिए तो राजू हाथ पे ना लगे, एक एक यहाँ पे लाख होता है कि उधर लाख होता है, तो खोलिए हाथ बचा के, हाथ फिसलेगा तो अंदर डालिए, अंदर डालिए ढक लिए पहले, ये एलजी की मशीन में ये चीज़ मिलता है, और भी मशीनों में मिलता है लेकिन सब में ये चीज़ नहीं मिलता है कि यहाँ से खुल जाए, ठीक है बस क्लियर। यहाँ पे ये निकल चुका है प्लेट, अब यहाँ से घुमाने में अच्छा रहेगा, अब घुमा लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा फिर से वही पकड़िए जाके अंदर से, 3 इंच लगाइए वहाँ पे, निकलेगा नहीं जब तक उसको घुमाएंगे नहीं तब तक वो निकलेगा यहाँ से, घुमाने से नहीं, अरे वो वहाँ पे जाम है ना, हाँ चलो ठीक है, पकड़ा गया है यहाँ पे, पकड़ लीजिएगा, चलिए अब घुमाइए पूरी तरीके से, घुमाइए घुमाइए पूरा जोर लगा के, नट को वहाँ से पकड़ लिया गया है जो पुल्ली का नट है, और उसको यहाँ से घुमाया जा रहा है, फिर छूट गया है, नहीं निकल रहा है, एक साथ किधर घुमाना, ठीक है एक तरफ घुमाइए सिर्फ एक तरफ, हाँ हाँ ठीक 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 घुमाइए घुमाइए पूरा, घुमाइए घूम गया क्या, अरे वाह क्लियर, अब यहाँ पे हाँ घूम गए घूम गए बहुत सही। अब देखिए यहाँ पे ये घूम चुका है साफ और ये निकल जाएगा, खींचे धीरे धीरे खींचे, घुमाते घुमाते खींचे, अब देखिए ये निकल जाएगा धीरे धीरे, वो पकड़े हुए नीचे से ताकि घूमे ना, बाकी यहाँ से ये घुमा खींचते रहिए, घुमाते रहिए खींचते रहिए, घुमाते रहिए ऊपर खींचते रहिए, निकल जाएगा, खींचे 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 ऊपर खींचे, हाँ बस बस अब आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, खींचिए नहीं चूड़ी वाला नहीं है वो, उसमें जाम हो चुका है, जंग लग गया, चूड़ी नहीं होता यहाँ पे, खींचिए खींचिए खींचिए, हाँ बस देखिए काफ़ी आसानी से आ चुका है। अगर ये चीज़ हम लोग नहीं करते तो मशीन से ये चीज़ बाहर नहीं निकाल पाते, किसी भी हाल में निकल ही नहीं पाता, प्रॉब्लम करता, तो निकालने का ही तरीका है, ये हो चुका है, आप इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको उधर रखिए, साइड कर दीजिए, साइड कर दीजिए, साइड नहीं ऊपर मत रखिए, इधर रखिए, इधर मशीन को ऊपर रखिए, यहाँ पर इस मशीन को अलग कर देते हैं, साइड कर देते हैं, बाकी ये वाली मशीन आ चुकी है अपनी, इसको टेबल पर रखिए, टेबल पर रखिए, तो टेबल रखिए रखिए, प्रॉब्लम क्या इसमें है, मिल चुका है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इसमें है एक तो अपना जो ये बफर है, ये बफर भी ख़राब हो चुका है, फिलहाल ये कटा बूश जो है, बूश ख़राब होने की वजह से पानी छिटा आ चुका है, ये तो बदलेंगे ही। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है इसका टेढ़ा होने का, ये देख सकते हैं क्या है प्रॉब्लम, समझवाए का प्रॉब्लम है, मतलब इसका पूरा पैर, दोनों पैर टूट चुका है, एक पैर बचा है वो भी लूज हो चुका है, वो भी टूटने वाला ही है, तो ये पैर टूट गया, ये पैर टूट गया, ये भी टूटने वाला है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये इसका स्टैंड बदलना, मतलब इसका जो साकर इसको बदलना तीनों,
और एक बदलना है उस उसको जो अपना बफर है उसको, इन दोनों को चेंज कर देंगे मशीन पर, फिर उसको बांध देंगे, ये पूरी तरीके से मशीन अपनी सही हो जाएगी। तो अब इसको थोड़ा सा कस्टमर को बताना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उसको बताया गया था, अभी लग रहा था कि बफर सही है, ये साकट सही है, तो बफर का ही दाम उसको बताया गया था। अब कस्टमर को ये बताया जाएगा कि ये बफर, ये आपका स्टैंड भी ख़राब है, तो जब कस्टमर बोलेगा कि हाँ इसको लगा दीजिए, तब इसको बनाया जाएगा। तो जब इसको बनेगा तो फिर इस पर एक वीडियो, फिर इसको हम वीडियो बनाएंगे इस पर। बाकी अब ये चीज़ प्रॉब्लम इसमें है, तो इसको इस तरीके से जब नया आएगा तो इसको लगा करके सेट किया जाएगा, फिर इसको मशीन को बांध दिया जाएगा, फिर ये मशीन अपनी सही हो जाएगी। तो फिलहाल इसको इसको पेंडिंग में रखते हैं, और जब कस्टमर बोलेगा उसके बाद ही आएगा साकर, सेम साकर लेकर के जाना रहेगा, उसके बाद लेकर खोल दीजिए, थोड़ा सा खोल लीजिए, तो साकर को खोल लीजिए जल्दी से, खोल दीजिए साकर। खोलने के लिए स्क्रू दो दो स्क्रू ड्राइवर दीजिए, हाँ चलिए एक से एक ही खोल दीजिए, बाकी और सब तो खुला ही है, रहने दीजिए उसको, रहने दीजिए उसको। तो ये जब भी अगर कोई एक साकर भी ख़राब हो जाए तो तीनों साकर लगेंगे, ये याद रहे, वरना डिसबैलेंस हो जाएगा। खुल चुका है, मोटर को उठा लीजिए, थोड़ा साइड कर दीजिए मोटर उठा के, यहीं साइड यहीं रख दीजिए, यहीं नीचे रख दीजिए, यहीं पे साइड में रख दीजिए। बाकी हमें अभी इसको खोलना है, इसी वाले निकाल दीजिए ना, इसी के हिसाब से सारे तीनों आ जाएंगे यहाँ पे अपना, ये साकर सिर्फ इसको निकाल दीजिए, नीचे पलटिए इसको, पलटिए पूरा पलट दीजिए, अपोजिट कर दीजिए इसको, अपोजिट देखिए, बचा के देखिए मोटर देख करके। तो कौन वाला सही था, कौन वाला, ये वाला है, हाँ ठीक ठीक, इसको दबा के निकाल दीजिए प्लास से, तो प्लास्टिक है, प्लास लीजिए, प्लास लीजिए, प्लास लीजिए, प्लास उसे उसे नहीं, प्लास 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 देखिए, हाँ ठीक है ठीक, उसको भी लगाइए, प्लास से करते तभी तुर निकल जाएगा, हमने उसमें प्लास लगाइए, तो थोड़ा यहीं पे था ना अभी, हाँ दाबी है उसको, ढकेली नीचे हो जाएगा। तो इसको बस प्लाट दीजिए, देखिए इस तरीके से करेंगे ना, ऐसा ऐसा ज़्यादा का अभी चला जाएगा, देखिए इसको इस तरीके से दाबिए अच्छी तरीके से चारों को, और ढकेलिए इस तरीके से चला जाएगा, दाबी तो चारों के साथ दबा के ना, घाट है दबा दीजिए नीचे, हाँ ढकेलिए ढकेलिए ढकेलिए, बस ढकेलिए, बहुत सही लगाइए, हाँ बस गया 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 गया, और नीचे ढकेल 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 गया, ठीक है यहाँ पर इस तरीके से ये नीचे गिर के गिर चुका है, और ज़्यादा में उठाइए बस निकाल लीजिए। अब इसको एक लेकर के जाएंगे, और सारे स्टैंड मतलब इसका जो भी साकर है तीनों लेकर के चले आएंगे। तो ये भी देखिए ख़राब होने वाला ही है, सड़ चुका है पानी की वजह से, ख़राब होने का रीज़न क्या है, यही पानी गिरा है और ये ख़राब हो चुका है।